मेगा न्यूज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं महेश मूलचंदानी आज की खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारे भारत देश के वीर जवानों के ऊपर जो आत्मघाती हमला हुआ, उस हमले के विरोध में आज भारत देश से लेके मुंबई शहर तक जगह जगह पर पाकिस्तान के विरोध के नारे लगने लगे। बहुत सी जगह उन जवानों को श्रद्धांजलि दी गई, जगह जगह पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाकर लोगों ने उनका पाकिस्तान का ध्वज जलाकर इस विरोध प्रदर्शन को दर्ज करवाया। हर जगह हर शहर में यही गूंज रहा था कि उन वीर जवानों की शहादत वैसे नहीं जाएगी। सभी ने हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनुरोध किया कि इसका देश का बदला इन पाकिस्तानियों से हमें जरूर लेना है। ऐसा ही विरोध प्रदर्शन टीओके पार्टी द्वारा उल्लासनगर नेहरू चौक पर किया गया। हजारों कार्यकर्ता नेहरू चौक पर टीओके पार्टी से दबा हुए और उन्होंने सबसे तेज तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। सभी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और पाकिस्तानी ध्वज को जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। वहां पर सभी ने अपने जिन्होंने वीर जवानों ने अपनी जान गंवाई है उन वीर जवानों को सभी ने श्रद्धांजलि दी और उसके बाद वहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और आतंकी संगठन के अध्यक्ष अजहर मसूद के पुतले जलाए और वहां पर उन्होंने सभी ने एक ही सुर में पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के विरोध नारे लगाने शुरू कर दिए। सभी ने अपने ओर से ये अनुरोध किया कि भारत देश के प्रधानमंत्री को अब चुप रही नहीं रहना है और उन्हें पाकिस्तानियों से इसका बदला जरूर लेना है। देशभक्ति लोगों में वहां पर कूट कूट कर बड़ी हुई थी। काफी लोग अपने देशभक्ति का इजहार विरोध प्रदर्शन करके दिखा रहे थे। पार्टी के आए हुए कार्यकर्ता राजू जग्यासी, कमलेश निकम, सुंदर मुलियार, पंकज त्रिलोकचंदानी, तमाम कार्यकर्ताओं ने लोगों को संबोधित किया और अपने ओर से पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए और उन्होंने भारत देश के प्रधानमंत्री को यह अनुरोध किया कि जल्द से जल्द पाकिस्तान से इसका बदला लिया जाए। हमारे देश के वीर जवानों की ये शहादत वेस्ट नहीं जानी चाहिए, हमें जल्द से जल्द उचित कदम उठाना चाहिए। और जिस तरह भारत की संस्कृति के मुताबिक जब कोई घर में व्यक्ति गुजर जाता है तो उनके लिए बाल कटवाकर उनका पिंड दान किया जाता है, ऐसे ही टीओके के कार्यकर्ता ने अपने ओर से मुंडन कराकर पाकिस्तान का पिंड दान कर दिया। उन्होंने अपने ओर से कठोर शब्दों से पाकिस्तान को एक नामर्द देश मानता हूं, क्योंकि जब भी इन्होंने लड़ाई लड़ी, जो भी लड़ाई लड़ी, बुर्खा पहनकर यहां पर आए थे और उनको खत्म कर देंगे। इसलिए तो बोला गया है कि 1,25,000 से एक लड़ू गुरु गोविंद सिंह कहलाऊं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हमारे सैनिकों की जान गई, आज जान के बदले में हमारे जवान सैनिक शहीद हुए और हम 40,000 सैनिकों के पाकिस्तान के 40,000 सैनिक देश का मौत मौत नहीं आ रहे। जो हमारे 44 सैनिक मारे गए और वो सबका खून एक ही रंग का दिखाई दिया, उसी प्रकार आज हमारे भारत देश के किसी भी पार्टी के, किसी भी जात के, किसी भी धर्म के हों, लेकिन सब एकजुट होकर के एक साथ में खड़े हैं। और वो आज हमारे इस उल्लासनगर शहर में जो महाराष्ट्र के एक छोटे से टुकड़े में आता है, शहीद हुए हैं, उनकी शहीद ऐसे व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उनका बदला लेकर के पाकिस्तान को हम ये दिखा देना चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तानी के अरे बाजू हो जाओ, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद,
आज टीम ओमी कलानी यूथ विंग की तरफ से तमाम व्यापारी भाइयों को अपील की गई और नेहरू चौक पर जो हमारे 40 से ज़्यादा जवान शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम व्यापारी भाई टीम ओमी कलानी के सभी कार्यकर्ता शहर के नागरिक यहाँ पर शामिल हुए। विरोध प्रदर्शन किया गया, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया, उनके ध्वज को पाकिस्तान के ध्वज को जलाकर और साथ ही साथ पाकिस्तान को आखिरी पिंडदान देने के लिए टीम ओमी कलानी का कार्यकर्ता ने अपने बाल मुंडवाकर आज ये भारत के प्रधानमंत्री को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से हमने मांग की कि प्रधानमंत्री जी अब बात करने का वक्त नहीं है, अब हमला करने का वक्त है। पहले कहते थे कि दूध मांगेंगे तो खीर देंगे, कश्मीर माता का ये नारा रहेगा कि हम कश्मीर तो नहीं देंगे पर आपका लाहौर भी ले लेंगे, आपका लाहौर भी ले लेंगे, आपका लाहौर भी ले लेंगे। इसके लिए आज तमाम साथियों ने नेहरू चौक पर इस प्रदर्शन के जरिए सरकार के पास ये गुहार लगाई कि हमारी ये मांग के साथ में 370 कलम हटनी चाहिए, साथ ही साथ पाकिस्तान को करारा जवाब मिलना चाहिए। यही नहीं तो आज सर मुंडवाकर हमारे कार्यकर्ताओं ने यही मांग के साथ में पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सर आज जो विरोध प्रदर्शन हुआ आपके तरफ से उसका आपका उनके बारे में देश के नौजवानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जिस तरह पूरे देश भर में लोग पाकिस्तान का खिलाफ बन रहे हैं उसी तरह हम बड़े उदासन हैं, छोटा सा शहर है बट हम हिंदुस्तानी हैं, हम भी एकदम खिलाफ है पाकिस्तान के। और आज का जो मोर्चा निकाला गया था वो पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा निकाला गया था। अब वक्त आया है पाकिस्तान को दिखाना पड़ेगा कि हिंदुस्तान क्या चीज़ है, इस तरह का आतंक हमें सहन नहीं करना चाहिए। जो भी लोग हमारे हिंदुस्तान के लिए रास्ते पे उतरे हैं मैं उन सब लोगों को शुक्रिया करना चाहूँगा। हमारे शहर के व्यापारी जिन्होंने आज पूरा दिन अपना दुकान बंद रख के श्रद्धांजलि दी है मैं उनको भी धन्यवाद बोलूँगा।